देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मचे कोहराम के दौरान ऑक्सीजन संकट पैदा हुआ था। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट की इस भयावह स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। अब इसकी शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन जरूरत को बढ़ा चढ़ा कर बताया। ऑडिट पैनल की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली राज्य सरकार की ओर से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी वो वास्तविक आवश्यकता से 4 गुना तक अधिक हो सकती है। इससे दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता था। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन संकट के दौरान जब दिल्ली सरकार द्वारा 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग रखी गई थी, उस दौरान दिल्ली को सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, यानी कि राज्य सरकार ने करीब 4 गुना अधिक मांग की। ऑडिट पैनल की रिपोर्ट आने के बाद केजरीवाल सरकार कई सवालों के घेरे में आ चुकी है। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली राज्य सरकार द्वारा की गई 4 गुना अधिक मांग के कारण करीब 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई थी, क्योंकि उस समय मांग के अनुसार ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई दिल्ली में की जा रही थी।